नमस्ते, हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजरात की फेमस दावेली। आइए दावेली बनाना शुरू कर दें। दावेली बनाने के लिए पहले हम इसके लिए चिली गार्लिक चटनी तैयार करेंगे। इसमें हमने 6 खड़ी मिर्च डाली है और 10-12 लहसुन। और थोड़े से मूंगफली के दाने। इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा। स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा अमचूर पाउडर। इसकी जगह आप नींबू का रस डाल सकते हैं। अब इन सबको हम पीस लेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम दावेली के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच जीरा लेंगे, 1 चम्मच सफेद तिल है और 2 चम्मच है धनिया, 1 चम्मच सौंफ और ये 2 खड़ी मिर्च। इन सबको भून लेंगे कलर चेंज होने तक। बस नारियल पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला और 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसको भी हम इसमें भून लेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून डालेंगे अमचूर पाउडर। तो मसाला हमारा भून गया है, अब इसको हम पीस लेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। इसमें हमने ऑयल डाला है 1 बड़े चम्मच। इसमें हम मूंगफली भून लेंगे। दाना हमारे भून गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। मसाला जो हमने बनाया उसमें हम 1/2 टीस्पून डाल देंगे काला नमक और इस सबको मिक्स कर देंगे। इसमें मूंगफली का दाना जो हमने भून लिया है उसमें हम थोड़ा सा मसाला मिक्स कर देंगे। हमने 4 आलू लिए हैं उबले हुए, इसको हम मैश कर लेंगे। आलू हमने मैश कर लिए, इसको भी फ्राई कर लेंगे। जो हमने मूंगफली फ्राई की थी उसको मुझे बचा था फिर इसीलिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे सादा। इसमें हम 1 चम्मच भर के दावेली मसाला डाल देंगे। सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे 2 चम्मच, जिससे आलू हमारा थोड़ा गीला हो जाए। Thank you.
चार बंद हमने लिए हैं, इसको हम काट लेंगे। इसको इस तरह से काटना है। इसमें हम चिली गार्लिक चटनी लगाएंगे एक तरफ, एक तरफ हम इमली की चटनी लगाएंगे। अब इसमें हम आलू रखेंगे। इसमें हम थोड़े से मूंगफली के दाने रख देंगे। थोड़ा सा अनारदाना। थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें प्याज डाल देंगे। इसके ऊपर हम हल्का सा मसाला डालेंगे जो हमने बनाया था। और थोड़े से सेव डाल देंगे। ये दबेली हमारी बन गई है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तवा हमने पहले से रख दिया था, इस पर डालेंगे बटर। इसको हम एक तरफ से सेक लेंगे, फिर पलट के भी सेक लेंगे। बस ये दबेली हमारी बन जाएगी। अब इसको हम पलट देंगे। इधर से भी सेक लेंगे। Thank you.
दावेली बनके हमारी रेडी है खाने के लिए। आप लोगों को हमारे दावेली की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।